दोस्तों वो जगह जहाँ पर व्यापार धंधा हवस साथ साथ देखने को मिलते हैं, उस जगह को रेड लाइट एरिया कहा जाता है। आपको बता दें कि इस धंधे में काम करना कुछ लोगों की मजबूरी होती है तो वहीं कुछ लोगों का शौक होता है। आज मैं आपको रेड लाइट एरिया के बारे में बताने वाला हूं, जहां लोग अपनी हवस मिटाने के लिए आते हैं, साथ ही शराब और शबाब के मजे भी लेने के लिए आते हैं। जी हाँ, इस रेड लाइट एरिया का काला सच यही है कि यहाँ हर रात मखमली बिस्तर पर हर लड़की के साथ न जाने कितने मर्द अपनी काम वासना को पूरा करने के लिए आते हैं। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि भारत में इस धंधे को गैर कानूनी माना जाता है, वहीं और देशों में रेड लाइट जैसे एरिया का होना आम बात है, जहां चंद पैसों के लिए जिस्म नीलाम हो जाते हैं। ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि भारत में लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा महिलाएं इस धंधे में लिप्त हैं। इसी बीच आज मैं आपको भारत के एक ऐसे इलाके के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे भारत का सबसे लोकप्रिय रेड लाइट एरिया कहा जाता है। पहला नाम है दिल्ली का जीबी रोड रेड लाइट एरिया। जी हाँ दोस्तों, ये वो एरिया है जहाँ पर हवस के तांडव का व्यापार दिन दूनी रात चौगनी स्पीड में चलता है। दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि दिल्ली को दिल वालों का शहर कहा जाता है। यहाँ लोग एक दूसरे पर दिल खोल कर प्यार लुटाते हैं। अब आप इस एरिया को ले लीजिए, जहाँ रोजाना न जाने कितने लोग अपना मन हल्का करने के लिए आते हैं। आपको शायद मालूम न हो कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली का ये रेड लाइट एरिया भारत के टॉप 4 रेड लाइट एरिया की लिस्ट में आता है। तो दोस्तों अब दूसरा नाम है बनारस के शिवदासपुर रेड लाइट एरिया का। जी हाँ दोस्तों, बनारस जिसे हम सिर्फ धर्म की नगरी कहते हैं, वहाँ सदियों से तवायफ कल्चर चला आ रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि अंग्रेजों के समय में इस कल्चर को काफी पसंद किया गया। कहते हैं कि पहले के समय में यहाँ की महिलाएं इस काम को खुलेआम करती थीं। अधिकतर लोग इन तवायफों का नृत्य देखने के लिए इनके पास जाते थे। आपको बता दें कि ये सभी लोग काफी उच्च घराने के होते थे, लेकिन बाद में यहाँ की औरतों की स्थिति काफी खराब हो गई और ये तवायफ कल्चर खत्म होकर कब देह व्यापार में तब्दील हो गया पता ही नहीं चला। और धीरे धीरे ये रेड लाइट एरिया उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा देह का बाजार बन गया। दोस्तों शिवदासपुर रेड लाइट एरिया की गलियों में घुसते ही घर से बाहर निकलते रंगे रंगे पुते चेहरों का झुंड नजर आने लगता है। इनकी नजर में हर आदमी या तो ग्राहक है या फिर कोई ऐसा जो उन्हें या उनके घर उजाड़ने आया हो। आपको बता दें कि शहर के बीचों बीच घनी आबादी वाले इस इलाके से निकल रही गलियां पहली बार आने वाले हर शख्स को चौंकाती हैं। ऐसा लगता है मानो आप किसी ऐसी जगह पर आ गए हो जहाँ देश के तमाम शहर एक ही जगह सिमटे हुए हैं। दोस्तों तीसरा नाम है महाराष्ट्र के कमाठीपुरा एरिया का। दोस्तों आपको बता दें कि देश का दूसरा सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा में है। आज भी हजारों सेक्स वर्कर्स यहां पर काम करते हैं और बद से बदतर जिंदगी बिता रही हैं। भले ही अंग्रेजों ने अपने सैनिकों के लिए इस रेड लाइट एरिया को कंफर्ट जोन के रूप में तैयार करवाया था, लेकिन ये जगह सेक्स वर्कर्स के लिए नरक से कम नहीं है। करीब 25 साल पहले यहाँ पर 50,000 तक सेक्स वर्कर्स रहा करती थीं, लेकिन बाद में सालों में इनकी संख्या में कमी आई। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर आज की तुलना की जाए तो साल 1980 में कमाठीपुरा में बड़ी तादाद में सेक्स वर्कर्स काम किया करती थीं, जिनमें कुछ बार गर्ल्स भी थीं। उस वक्त इस इलाके में अंडरवर्ल्ड का बोलबाला चलता था। बताया जाता है कि उस वक्त सेक्स वर्कर्स के रिहैबिलिटेशन पर सरकार और एनजीओ सक्रिय नहीं थे, लेकिन समय के साथ देश विदेश के कई एनजीओ यहां पर आए और कई सेक्स वर्कर्स की लाइफ भी बदली। आज तो कई सेक्स वर्कर्स के बच्चे देश विदेश में पढ़ लिख भी रहे हैं, जबकि कुछ वर्कर्स इस बिजनेस को छोड़ चुकी हैं। दोस्तों चौथा नाम है पश्चिम बंगाल का सोनागाछी इलाके का। पश्चिम बंगाल का सोनागाछी इलाका एशिया का सबसे बड़ा वैश्यवृत्ति का क्षेत्र है। यहाँ आंकड़ों की बात करें तो लगभग 10,000 से अधिक सेक्स वर्कर्स काम कर रही हैं। साथ ही कई मेल वर्कर भी वैश्यवृत्ति के धंधे में लिप्त हैं। सोनागाछी स्लम भारत ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। यहाँ कई गैंग हैं जो इस देह व्यापार के धंधे को संचालित करते हैं। इस स्लम में 18 साल से कम उम्र की करीब 12,000 लड़कियां सेक्स व्यापार में शामिल हैं। आपको बता दूं कि यूं तो वैश्यालयों और वैश्याओं पर कई तरह की फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कोलकाता के इस रेड लाइट एरिया को विषय बनाकर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है बॉर्न इनटू ब्रोथल्स, और इस फिल्म को ऑस्कर सम्मान भी मिल चुका है। तो दोस्तों ये थे भारत में मौजूद कुछ रेड लाइट एरियाज जिनकी कहानी काफी दिलचस्प है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा, और इसी तरह हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।